दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज आए हैं हम तीन लोग हैं, गंगा नदी पर आए हैं घूमने के लिए और यहाँ का जो व्लॉग है सिनेमैटिक शॉर्ट्स जो भी रहेंगे आप लोगों के लिए दिखाएंगे। और जो नदी है काफ़ी ज़्यादा एरिया में है, यहाँ पर है हमारा ट्राइपॉड वगैरह, गिम्बल है यहाँ पर रखा हुआ है, बैग, और पीछे है बाइक। और छोटी मोटी वीडियो बना के डाल देता हूँ, और कोई वैसे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में भेजें, वीडियो बनाओ, सच बनाओ, वैसे बनाओ, इंडियन आर्मी भी बनाए। तो अभी जो नदी है वो यहाँ पर काफ़ी स्पीड में जो है जल यहाँ पर बह रहा है, और पीछे पुल यहाँ पर देख सकते हो। ये जो नदी के किनारे पर जो बालू है धीरे धीरे कट कट के इस साइड में उस साइड तक पहुँच जाती है। बहुत ज़्यादा बड़ी है ये, काफ़ी जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ तक आगे तक जो है 1 किलोमीटर के रेंज में चौड़ाई में जो है नदी बहती है। तो अभी फ़िलहाल है जनवरी का महीना और जल जो है बहुत कम है। गर्मियों के दिनों में जल जो है बढ़ जाता है जब बारिश वगैरह शुरू हो जाती है तब। तो ये जो फील्ड है यहाँ पर खाली हो चुका है, बहुत बड़ा एरिया है जो खाली हो जाता है, गंगा नदी के रेंज में अंदर ही आता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खेती बाड़ी यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो अभी ज़मीन थोड़ी थोड़ी कट के नीचे गिरती जा रही है, अभी हम इसका वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में ये गिरने वाली है। और गिरने वाली ये है क्योंकि हम गंगा सागर आए हुए हैं और हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हमारे गाँव फाँव को छोड़िए, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तब। हम यूट्यूब पे, हमारा चैनल का नाम है पीके राना, और हम अभी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आए हैं। और ये हम अब धमाकेदार के लिए ऐसे गिरने वाले थे, तो अभी गिर नहीं रही है क्योंकि गंगा मैया का जल बहुत तेज है इधर, और ढाई गिर रही है बहुत तेज ज्यादा, इसलिए हम दूर खड़े हैं क्योंकि नहीं तो हम भी बह के चले जाएंगे उधर। अगर आप गंगा पर नहाने के लिए आए तो गंगा किनारे जो है ऐसी जगह देखें जहाँ पर नहाने के लिए या तो घाट हो तो वहाँ पर ही नहाएं, और डायरेक्टली ऐसी एरिया जो होती है जहाँ पर जल एकदम डायरेक्टली जाता है रफ्तार से, तो ये कट बन जाता है और जो है ढलान सा नीचे गिरता रहता है। तो गंगा नदी का जो उद्गम है भागीरथी के द्वारा हुआ था। हिमालय पर्वत जहाँ पर 3140 मीटर, आई नॉट श्योर पर इतना 3000 की ऊंचाई पर इसका उद्गम है, गंगोत्री, जहाँ से जो है गंगा नदी निकलती है। तो भाई लोग हमारे यहाँ ये जो सिनेमैटिक शॉट्स हैं उनको ले रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसके लिए जैकेट वैकेट सब कुछ पहन के आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ठंड है, जनवरी का जो महीना रहता है बहुत ठंडा रहता है, दिसंबर का भी महीना बहुत ठंडा रहता है। ये 2 महीने हैं बहुत ज़्यादा ठंड से भरपूर हैं। तो यूपी में तो ठंड है ही, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये जो एरिया है, इस जो गंगा नदी में जो खाली एरिया है ना अभी, तो यहाँ पर तरबूज, खरबूज, ये सब जो ककड़ी वगैरह रहती है वहाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं। तो ऐसा ही पौधे हैं यहाँ पर, वो जो दिखाई दे रहा हो तो आप लोगों के लिए वहाँ पर है। और ये जो जल दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर भरा हुआ नहीं है। क्या होता है यहाँ पर, कहीं पर भी अगर किसी भी एरिया में गंगा किनारे के पास अगर कहीं पर भी गड्ढा करेंगे तो जल जो है, वाटर लेवल है जो उसका बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो वही है पानी, जो जल पानी बोले जल बोले वो बहुत जल्दी निकल आता है। और ये जो पानी है बिल्कुल भी साफ है, पीने योग्य है, गंगा का ही जल है। तो इसको जो निकाला गया है यहाँ से, बालू को, बालू इधर कर दिया, थोड़ा इधर कर दिया, वहाँ पर जल निकला है। तो अभी हम ट्राई करते हैं अमरपाल जी से, देखते हैं कितना ठंडा जल है ये। इसमें हाथ डाल के देखेंगे, इसमें हाथ डाल के, 1 मिनट हाथ डालो। बहुत ठंडा है ये जल, बहुत ठंडा जल है। और ये भी, ये जो जल है अभी यहाँ पर भरा हुआ है और काफी ठंडा भी, बहुत ठंडा। अगर कोई नहा लिया तो सोचो ऊपर पहुँच गया, इतना जड़ा।